So I was talking about the universal rule. Whatever the properties you will be applying in the asterisk sign under the style tag, so those properties will get applied to all the HTML elements of the same document. So that is called the universal selector when you want to apply the properties globally, okay? And yesterday we did inline and internal. So today we are going to discuss the external style sheet, that is the third and the last style sheet. Okay, before that, we did concept of ID. Do you remember the concept of ID? Yes, Jasleen. मैम मैंने पूछना था जो एस्ट्रिक यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है इसमें अगर हम अकेला कलर लगा के कोई कलर लगा मतलब अगर हमने टेक्स्ट को कलर लगाना हो तो फिर वो लगता नहीं है. इट विल अप्लाई इफ यू वांट टू अप्लाई कलर. तो अगर आपने यहाँ पे कलर लगा दिया लेकिन उसके बाद मेरा पी टैग में भी कलर आ रहा है तो फिर पी टैग की प्रॉपर्टी रिसाइड ओवरराइड कर जाएगी. मतलब अगर आपने एस्ट्रिक साइन से कलर दिया है तो वो एच वन के लिए तो चलेगा, ठीक है, लेकिन पी में जो भी आप दोगे, जो भी आप सेकंड स्टेटमेंट दोगे उसकी प्रॉपर्टी फिर ओवरराइड कर जाती है. अब नीचे जाके देखो एच वन में भी मैंने फिर से स्टाइल पे कलर दिया हुआ है तो फिर वहां पे कलर ब्लू चलेगा ड्यू टू इट्स इनलाइन नेचर. ओके, सो दिस इज द वेरिएशन. अगर आप दो तीन टैग्स पे लगा रहे हो लेकिन आप बार बार कलर चेंज कर रहे हो तो फिर जो सबसे लास्ट वाला लगाओगे उसकी प्रायोरिटी मानी जाएगी. क्लियर? ओके, सो वी डिड कंसेप्ट ऑफ आईडी. तो मैंने आपको बताया था आईडी नेम का एक आपने एट्रीब्यूट बनाना है. फॉर एग्जांपल पी आईडी इक्वल टू पी वन. सो लेट्स से आई हैव टेकन दिस आईडी. तो हाउ टू डिपिक्ट दिस आईडी इन द स्टाइल टैग, यू हैव टू यूज हैश एट्रीब्यूट. तो यहाँ पे आपने हैश एट्रीब्यूट यूज करना है. सो यूजिंग हैश एट्रीब्यूट देन पी वन एंड वट एवर द प्रॉपर्टीज यू वॉन्ट टू से सो यू कैन सेट अंडर दिस. इसी तरह से हमने किया था, यही किया था. इफ यू वॉन्ट टू हैव डिफरेंट पैराग्राफ्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग यू वॉन्ट टू अप्लाई, लेकिन वो सारे हैं पैराग्राफ टैग ही हैं, तो कितने सारे अगर आप पी टैग्स यूज कर रहे हो लेकिन पी टैग पे फॉर्मेटिंग लगाओगे तो उससे क्या होगा, यू डू नॉट कम टू नो कि वो किस पर्टिकुलर पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग की बात हो रही है. इन ऑर्डर टू मेक इट अ डिफरेंशिएट, इसीलिए हमने वहां पे वी हैव यूज द कंसेप्ट ऑफ आईडी सो दैट वी कैन रेफर टू द एग्जैक्ट स्पेसिफिक पैराग्राफ की हमने किस पैराग्राफ पे क्या प्रॉपर्टीज लगानी है. अब यहाँ पे मैंने पी आई डी इक्वल टू पी वन दिया तो मतलब वेलकम 22 पे फॉन्ट फैमिली मेरा एरियल वर्क करेगा. ऑल राइट, नाउ यू माइट हैव सीन कई बार यहाँ पे दो तीन फॉन्ट्स लगाए होते हैं, फॉन्ट फैमिली एरियल, फॉन्ट फैमिली वदाना, देन सम एल्स, राइट, समथिंग लाइक दिस. नाउ दिस लाइन मीन्स इफ यू आर हैविंग मोर देन वन फॉन्ट एट अ टाइम सो योर ब्राउजर एट दैट टाइम विल वर्क. योर ब्राउजर विल चेक वेदर द एरियल फॉन्ट इज अवेलेबल टू इट. सबसे पहले पहला फॉन्ट चेक होगा. If that font is available, your whole of the content, whatever, जहाँ पे भी आपने properties लगाई है, वो content आपका उस font में depict हो जाएगा. But if that font is not available in your browser, so it will skip that and it will shift to the next. So in this example, जैसे मैंने यहाँ पे लिया Verdana, so it will check for the Verdana font there. अगर उसको वो font वहाँ पे अपने browser में available मिल रहा है, so it will apply the properties in that font. अगेन अगर वो फॉन्ट भी नहीं है तो दैट विल अगेन चेक फॉर द थर्ड वन दैट इज एरियल बोल्ड. अगर सपोज करो तीनों फॉन्ट्स ही उसके ब्राउजर में अवेलेबल नहीं है तो फिर ब्राउजर का जो अपना डिफॉल्ट फॉन्ट होगा इट विल अप्लाई दैट फॉन्ट इफेक्ट प्रॉपर्टी रिलेटेड टू हिज ओन जो भी उसका फॉन्ट डिफॉल्ट फॉन्ट है ब्राउजर का. क्लियर है? सो यू कैन गिव 2 to 3 फॉन्ट फैमिलीज एट अ सेम टाइम If you want कि अगर मेरा result इसमें नहीं display हो रहा तो इसमें हो जाए. What alternative options you can give? So you can give in a font family. Okay, this thing is clear. Now the another concept of class. So ID attribute we have done. ID attribute का आपको purpose clear हो गया कि जब हमने specifically किसी एक चीज पे properties लगानी है तो हम ID attribute के साथ refer कर सकते हैं. But sometimes we need, for example, मैं यहाँ पे क्लास बना रही हूँ.
द सेम वे जैसे हमने आईडी एट्रीब्यूट बनाया वैसे ही हम सेम क्या बनाएंगे क्लास एट्रीब्यूट. द सेम वे वी हैव क्रिएटेड द आईडी एट्रीब्यूट नाउ वी कैन क्रिएट अ क्लास एट्रीब्यूट विच इज यूज टू ग्रुप द स्टेटमेंट्स दैट आर रिलेटेड. अगर आप चाहते हो कि एक जैसी चीज है ये एक मेरा रिलेटेड क्वेश्चन ही आ रहा है मैं इसको एक जगह पे सेम प्रॉपर्टीज के साथ अपना डिपिक करवाना चाहता हूँ या डिस्प्ले करना चाहता हूँ रिजल्ट सो यू कैन यूज द क्लास एट्रीब्यूट. द ओनली डिफरेंस इज द वर्ड कीवर्ड आईडी द कीवर्ड क्लास. ओके वहां पे आप आईडी कीवर्ड यूज कर रहे हो क्लास के लिए आप क्लास कीवर्ड यूज कर रहे हो. स्टाइल टैग के अंदर जब आप आईटी एट्रीब्यूट लगाते हो तो आप क्या लगाते हो हैश. लेकिन फॉर क्लास फॉर डिपिक्शन ऑफ द क्लास वी विल यूज पीरियड मीन्स डॉट. हम डॉट यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई एक क्लास क्रिएट करी है सेंटर नेम की. सो डॉट सेंटर इसमें आप कोई भी प्रॉपर्टी लगाओ. फॉर एग्जाम्पल कलर इज रेड. ओके तो मैंने ये प्रॉपर्टी लगा ली कलर इज रेड. एक और लगा लो चाहे टेक्स्ट लाइन सो दिस इज अ क्लास. अब क्लास कौन से नेम की बनी है मेरी सेंटर. अब जिसमें भी आपको लगाना है सो आई एम डिफरेंशिएटिंग इट विद द एच आर. नाउ आई एम यूजिंग एच टू टैग हेयर. सो क्लोज द एच टू. नाउ इनसाइड द एच टू टैग यू कैन यूज क्लास इक्वल टू सेंट. जैसे हमने यहाँ पे दिया आई डी इक्वल टू पी वन द सेम वे यू कैन गिव द क्लास एट्रीब्यूट क्लास इक्वल टू द नेम ऑफ द क्लास. देन जो भी आपका नेम है क्लास का यू हैव टू रिप्रेजेंट इट यूजिंग अ डॉट इन द स्टाइल टैग. सो डॉट सेंटर वट एवर द प्रॉपर्टीज यू विल गिव हेयर वो आपकी एच टू वाली क्लास पे चल जाएगी. लेकिन सिर्फ उसी पे चलेगी जहां पे भी आप क्लास को यूज कर रहे हो. जरूरी नहीं है अब यहाँ पे देखो मैंने H2 क्लास लिया. सिमिलरली मैं यहाँ पे एक H3 टैग भी ले लेती हूँ. एनी कंटेंट देन H3. सो अगेन यू कैन यूज अ क्लास एट्रीब्यूट हियर. ऑल राइट अब कई बार होता है कि आपने इतने सारे हेडिंग टैग्स लिए हुए हैं आप चाहते हो कि जहां जहां पे भी क्लास एट्रीब्यूट यूज किया हुआ है सब पे ये प्रॉपर्टीज. यहाँ पे भी मैंने चेंज किया क्लास इक्वल टू center and here also. इस चीज से तो क्या होगा कि जहां जहां पे भी क्लास सेंटर यूज की हुई है तो सेंटर की प्रॉपर्टीज उस टेक्स्ट पे परफॉर्म करेंगी उस पर डिस्प्ले हो जाएंगी. तो लेट्स लुक एट द आउटपुट. अब जहां जहां पे भी क्लास एट्रीब्यूट लगा था वेलकम 22 टूडे इज फ्राइडे ए तो यहाँ पे मैंने क्लास का एट्रीब्यूट लगाया हुआ है. जहां पे सेंटर नेम से एक मैंने क्लास बनाई और सेंटर में मैंने प्रॉपर्टीज क्या रिसाइड की हुई है कलर रेड एंड टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट. टेक्स्ट विल बी ऑन द लेफ्ट साइड द कलर ऑफ द टेक्स्ट विल बी रेड. तो ये तो आपका चल गया. लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे सब पे नहीं तो एक पर्टिकुलरली आपने किसी टैग के लिए भी अगर आपको यूज करना है तो यू कैन यूज इट दिस वे आल्सो. फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ एच टू पे चलाना है एच टू डॉट सेंटर. तो दैट मींस अब ये सारे सेंटर जहां जहां पे भी क्लास आप सेंटर लगा रहे हो उसके लिए नहीं एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए वर्क करेगा. तो एच टू डॉट सेंटर जहां पे लगा होगा एच टू में जहां पे भी आपने रेफर किया होगा मतलब टूडे इज फ्राइडे वाले के लिए ये वर्क करेगा. तो इस तरह से आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को भी रेफर कर सकते हो जो कि हम आईडी में नहीं कर सकते थे. आईडी में आपको हैश पी वन हैश पी टू देना पड़ रहा था राइट. तो हर बार ही आईडी लगाना पड़ रहा था. इसमें आप डायरेक्टली किसी भी क्लास को रेफर करो क्लास किस एलिमेंट के साथ कंबाइन करके यू कैन गिव अ प्रॉपर्टीज एज वेल. तो बोथ वे इट विल वर्क. आईडी में सिर्फ एक ही वे है लेकिन आप इसको सारे एलिमेंट्स के लिए भी वर्क करवा सकते हो. ऑल्टरनेटिवली आप किसी पर्टिकुलर एक किसी स्पेसिफिक एलिमेंट पे भी यू कैन यूज अ क्लास एट्रीब्यूट. सो दिस थिंग इज क्लियर हाउ टू यूज क्लास एट्रीब्यूट.
The only difference is वहां पे आपने हैश यूज करना है. फॉर क्लास एट्रीब्यूट यू हैव टू यूज अ डॉट इन द स्टाइल टैग. एनी डाउट? यस बच्चे, एनी डाउट? द वर्किंग ऑफ क्लास इज क्लियर? Okay, now next thing is, so I'm going to erase this all. Now look at the coding carefully. यहाँ पे मैं कुछ selectors बना रही हूँ and I'm giving the properties. Text hyphen align center color red. Now H1 tag is there in my document. Now same properties I want to copy it in the P tag, and similarly for the H2 tag. So you can see the same properties I have used on H1 also, on P tag also, and on the H2 also, right? So, but the properties are common. So why you are writing the same properties again and again? So what is the alternative to this? You can group these elements. जहाँ पे भी अगर आपको लगे कि आपकी properties same ही चल रही है सारे elements के ऊपर, so do not overwrite the properties again and again. It will just make your web page lengthy. उतनी ही आपकी space consume हो रही, उतनी processing of the page will get slower. So what you can do? अब देखो इसका output तो आपको पता ही है कि क्या आएगा. टेक्स्ट लाइन हमारा सेंटर में आएगा और जो हमारा कलर है टेक्स्ट का, दैट विल बी इन द रेड कलर. ओके, सो H1 पी टैग एंड H2. सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन रिड्यूस अवर कोड लाइक दिस एंड यू कैन सिंपली ग्रुप द एलिमेंट्स H1 कॉमा पी कॉमा H2 देन कर्ली ब्रेस. उसके बाद आप कॉमन प्रॉपर्टीज दे सकते हो इफ योर प्रॉपर्टीज आर कॉमन फॉर ऑल दीज थ्री एलिमेंट्स. सो यू कैन ग्रुप देम बाय यूजिंग अ कॉमा, बाय पुटिंग अ कॉमा इन साइड द HTML एलिमेंट्स यू कैन गिव अ कॉमन प्रॉपर्टीज. एनी डाउट? नोट डाउन द सिंटैक्स फॉर द सेम. पूरी कोडिंग पहले लिखो H1 के अंदर ये प्रॉपर्टी लगाओ, फिर P टैग बनाओ, P टैग के अंदर सेम प्रॉपर्टीज, देन H2 के अंदर ये थ्री सेम प्रॉपर्टीज, देन एक कर्ली ब्रेस डाल के आगे एरो डाल के लिखो. वी कैन ग्रुप द प्रॉपर्टीज बाय रिड्यूसिंग द कोड. हाउ टू राइट इट इन अ शॉर्टर फॉर्म? बट जस्ट बाय पुटिंग अ कॉमा इन साइड द एलिमेंट्स नेम. Written. Yes, बच्चे. Any doubt till now? Reply me in the chat box. Any doubt? How to group the elements for the common properties? This is clear. You have noted it. चले आगे. ऑल राइट, नाउ द नेक्स्ट इज द एक्सटर्नल स्टाइल शीट, द लास्ट स्टाइल शीट. कल हमने डिस्कस किया था इनलाइन एंड इंटरनल, वेयर वी हैव यूज द कंसेप्ट ऑफ स्टाइल टैग एंड द स्टाइल एट्रीब्यूट. नाउ वी आर गोइंग टू मेक एक्सटर्नल स्टाइल शीट, सो वी डू नॉट रिक्वायर अ स्टाइल टैग, सो दैट्स वाई आई एम गोइंग टू इरेज दिस. ओके, दिस इज अ नॉर्मल HTML डॉक्यूमेंट. नाउ ये आपके सामने एक नॉर्मल HTML डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हम एक हेडिंग ले रहे हैं. ओके, एंड देन
I'm going to make it underline as well. And in the P tag, the description of the same form. Let it be, there is some paragraphs. इसको मैं थोड़ा elaborate कर रही हूँ like this only. And it's the closing of P tag. तो यहाँ पे HTML document में आपने simple एक normal document बनाना है without any properties or without any attributes. Simple आप एक document create करो. So this is my HTML document. Now the same one more document is to be created here. जहाँ पे आप properties लगाओगे. अब पहले वाले document में मेरे पास tag use हो रहा है H1 and P tag. So you can apply the properties in the new document. जैसे आप नॉर्मल प्रॉपर्टीज लगाते हो इन द इंटरनल सीएसएस द सेम वे. सो पी टैग आई हैव मेक अ सिलेक्टर ऑफ पी द प्रॉपर्टीज यू कैन गिव टेक्स्ट अलाइन एज सेंटर कलर एज रेड बैकग्राउंड हाइफन कलर yellow. All right, same way now for H1. Text align center, color green, and background color as gray. So you can give height and width also here. One new property. Border. I'm giving 2 pixel solid border and the color of the border. Blue. So this is the border property which will make 1 2 pixel border of solid line and that will be in the blue color. So this is my just a normal CSS file. So save it as first.css. So name of the file maine yahan pe first rakha hai. You can keep any name. All files and the extension to be noted here .css. Okay, first.css. So this is the CSS file now. So see, index page, ये मेरा HTML document है. First, this is the CSS file. Now in the HTML document, यहाँ पे आपने क्या लगाना है? The tag is link rel. Now link is an empty tag. It is not a container tag. Link relation equal to style sheet then href where you will give a path. The syntax is clear. Note down the syntax firstly for the external style sheet link tag is to be used link then rel stands for relation href equal to url of the html document href mein kya aayega url of the html document now our url in this case
this is my file. If you can open in the browser, तो otherwise property से जाके इसका full fledged आपने path लेना है यहाँ से. अगर आपको यहाँ से मुश्किल लग रहा है तो alternatively I have already told you the method for taking the path from the URL in the browser. So you can take it from there also. So this way you can take a path. And copy the path in the HTML document. All right. Link rel equal to style sheet, that is what is the relation of the file, and then href the URL of a path. So this is external style sheet where you are linking one HTML document with the another document, and the another document is of CSS type. Matlab properties sari aapki ek jagah pe rahengi, text sara aapka ek different document mein rahega, and you are linking it with the लिंक टैग. जैसे हम एयर एचरेफ में करते थे, वी यूज्ड टू अप्लाई द एक्सटर्नल लिंक्स, एएचरेफ करते हैं ना, लिंकिंग लगाते हैं द सेम वे. अब यहाँ पे लिंकिंग तो लग रही है, लेकिन लिंक हम किसको कर रहे हैं, सीएसएस डॉक्यूमेंट विद द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट. क्लियर? एनी डाउट? सो सी, दिस इज द आउटपुट. नाउ यू कैन सी प्रॉपर्टीज, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे ऑफ द सीएसएस, तो लुक एट द प्रॉपर्टीज. पी टैग जहां पे वैरायटीज ऑफ शॉल्स वाला एक पैराग्राफ बना हुआ है, द टेक्स्ट लाइन इज सेंटर, द कलर इज रेड, द बैकग्राउंड कलर इज येलो. ओके, फाइन, द प्रॉपर्टीज आर रिसाइडेड. नाउ इन दी एच वन जो मेरी हेडिंग टैग था वहां पे मैंने क्या बोला, टेक्स्ट लाइन सेंटर है. यू टैग मैंने वहां पे लगाया हुआ है. आप टेक्स्ट डेकोरेशन से भी अंडरलाइन कर सकते थे इफ यू वॉन्ट टू अप्लाई यूजिंग अ सीएसएस प्रॉपर्टी. कलर इज ग्रीन, द फॉन्ट कलर आई हैव गिवन ग्रीन हियर. बैकग्राउंड कलर ग्रे इज अपियरिंग. हाइट 150 पिक्सल आई हैव सेट. नाउ द बॉर्डर यू कैन सी रेक्टेंगल इज कमिंग ऑफ ब्लू कलर ऑफ सॉलिड लाइन्स of 2 pixels. So this is using this property, border 2 pixels solid blue. So this way I told you to make the changes in your project also. तो आपने इसी तरीके से अपने project में changes करनी है. आप एक external sheet बना लो, उसमें properties लगा लो, इस तरह से boxes बना के you can give a colors and background colors. Yes, any doubt in this example? Anyone? External style sheet is clear? Yes, yes. In the CSS file directly you have to write a selector name. जैसे यहाँ पे मैंने p tag दिया और मैंने उसकी properties लगा दी, h1 tag दिया उसकी properties लगा दी. ऊपर आपने कुछ नहीं देना, कहीं से कुछ start नहीं करना, directly बस selector का name दिया और उसकी properties दे देनी है in the CSS document and just save it using .css extension. Yes, Jasleen. मैम, जैसे अपने H1 में बॉर्डर में 2 pixel सॉलिड और ब्लू, अगर हमने कलर नहीं लगाना, हमें ब्लैक ही चाहिए, तो फिर हम ब्लैक लिखना जरूरी है, अकेला सॉलिड ही लिखते? नहीं, अगर आप नहीं दोगे तो डिफॉल्ट वैल्यू तो सॉलिड उठा ही रहना, अदरवाइज यहाँ पे हमारे पास बॉर्डर स्टाइल्स की वैल्यूज बहुत सारी होती है, तो अगर आप अकेला भी 2 pixel लोगे तो वो ब्लैक कलर की सॉलिड लाइन ही दिखाएगा. If you want to change the color only, then you have to specify the color. Otherwise, by default, black में ही आ रहा है. And in this solid, solid की जगह और भी कोई properties होती है? We can use dotted, we can use dashed. So I will tell you the names. कौन कौन सी properties आप set कर सकते हो. बहुत तरह के हमारे border styles होते हैं. अगर आपको border style अलग से set करना है तो आप अलग से भी set कर सकते हो. For example, यहाँ पे मैंने border 2 pixel दिया. And in instead of using वो मैंने shorthand में property use करी है, so you can use it this way also. Border style में simple, फिर आप border का style ही दे रहे हो कि आपको क्या style चाहिए.
I want a dotted style. This way. We will learn these properties. We will do these properties tomorrow. Okay. आज सिर्फ अभी आपको एक्सटर्नल स्टाइल शीट और क्लास एट्रीब्यूट बताया है. कल हम प्रॉपर्टीज पे आएंगे एंड यू विल जस्ट मेक अ नोट्स कौन सी प्रॉपर्टी किसके लिए यूज हो रही है. बॉर्डर की क्या प्रॉपर्टीज हैं, बैकग्राउंड की अलग से प्रॉपर्टीज हैं, फॉर फॉन्ट अलग प्रॉपर्टीज हैं, देन टेक्स्ट के लिए अलग से प्रॉपर्टीज हैं. वी विल मेक अ टेबल फॉर दैट. सो एनी डाउट इन द एक्सटर्नल स्टाइल शीट टू एनी वन? ऑल द टाइप्स ऑफ स्टाइल शीट्स आर क्लियर. इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. किसी को अभी भी कोई डाउट है कि कैसे स्टाइल शीट लगानी है, डू आस्क मी राइट नाउ बिकॉज टुमारो ऑनवर्ड्स वी हैव टू मूव ऑन टू द प्रॉपर्टीज. एनी डाउट? तीनों स्टाइल शीट्स क्लियर है बच्चे? यस. So you can view the result, these results. कुछ नहीं किया, बस एक स्टाइल शीट बनाई है एंड यूजिंग द HTML डॉक्यूमेंट विद द सिंगल लाइन वी हैव मर्ज्ड इट. दिस लाइन इज टू बी यूज्ड फॉर मेकिंग द एक्सटर्नल स्टाइल शीट. HRF में यू हैव टू गिव अ पाथ ऑफ द CSS फाइल एंड मेक श्योर, ये नहीं है कि आप अकेला फर्स्ट डॉट CSS लिख के छोड़ रहे हो तो दैट विल नॉट गिव यू द रिजल्ट. यू हैव टू राइट द कंप्लीट पाथ. Full-fledged path is to be given inside the HRF attribute. यहाँ पे हमारे पास एक और attribute होते हैं, type equal to text slash CSS, just to indicate which type of file we are going to link. So we are going to link a file which is of type text document, the notepad file which is of CSS type. All right. So do practice of external style sheet. I hope you have already practiced this internal and inline style sheet. Now today do the practice of external style sheet, how to merge two documents together. Okay. And then tomorrow we are going to move on the topic properties. Okay, bachche. See you tomorrow now.